हेलो गाइस वेलकम बैक टू अर चैनल पी सी एम बी डिजिटल गुरुकुल अभी हम यहां पे प्रेगनेंसी और एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे अभी हमने पिछली वीडियो में जो बात की थी बेटा वो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लान्टशन की करी थी राइट right? सभी वीडियोस आप टेलीग्राम ग्रुप पर ट्वेल्थ बायोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर नीट सी बी एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं उसमें ये आफ्टर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इम्प्लान्ट जब हो गया ब्लास्टोसिस्ट यूटरस के अंदर तो कहते हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं वो अपीयर होंगी ऑन द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ट्रोफोब्लास्ट जो अटैच हुआ था जिसके चार फेंटोमीटर में आ गया था उस ट्रोफोब्लास्ट पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आएंगे जिसका नाम होगा कोरियोनिक विल्लाई विच आर सराउंडेड बाई यूट्राइन टिश्यू ऑब्वियसली क्योंकि पूरे ट्रोफोब्लास्ट को ही घेर लिया गया है पूरे ब्लास्टोसिस्ट को घेर लिया गया तो उस ट्रियोनिक विल्लाई के चारों तरफ भी देर विल बी यूट्राइन टिश्यू एंड मेटरनल ब्लड माँ का खून होगा कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यूज जो होंगे इंटरडिज एक दूसरे के अंदर बिल्कुल उंगलियों की तरह मिक्स मर्ज हो जाएंगे और ज्वाइंटली फॉर्म करेंगे एक स्ट्रक्चर को जिसको क्या कहते हैं प्लेसेंटा जो कि मैटरनल ब्लड और डेवलपिंग फीटस के बीच में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का काम करेगा द प्लेसेंटा फैसिलिटेट क्या करता है प्लेसेंटा फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एम्ब्रियो को ऑक्सीजन देना न्यूट्रिएंट देना ये सब काम प्लेसेंटा के होते हैं एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ सी ओ टू एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटीरियल्स और साथ साथ सी ओ टू और एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करना भी प्लेसेंटा का ही काम होता है प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन एम्बलाइकल कोड प्लेसेंटा का एम्बलाइकल कोड के थ्रू एम्ब्रियो के थ्रू कनेक्शन होता है वया ए एम्ब्लाइकल कोड यानी प्लेसेंटा स्ट्रक्चरल फंक्शन रिलेट तो बनती है जो कि मेटरनल टिश्यू और ट्रोफोब्लास्ट से है लेकिन प्लेसेंटा डायरेक्टली एम्ब्रियो से नहीं बल्कि एम्ब्लाइकल कोड से अटैच होती है और फिर एम्बलाइकल कोड जो है वो फीटस अटैच होती है और एम्ब्लाइकल कोड का, का काम क्या है एम्ब्रियो से टू एंड फ्रॉम चीज़ों को पास करने देना प्लेसेंटा ऑल्सो एक्टर्स प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू भी है यानी कि टेम्प्रेली कुछ हारमोन्स भी ये प्रोड्यूस करेगा तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बहुत बार बहुत लोग इस बात को भूल जाते हैं कि प्लेसेंटा क्या है एक एंडोक्राइन टिश्यू है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एंड प्रोड्यूज सेवरल हारमोन्स लाइक कौन कौन से हारमोन प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है हमेशा ह्यूमन क्यूरोनिक गोडोट्राफिन एच सी जी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन द लेटर फेजेज ऑफ प्रेगनेंसी एक हारमोन रिलैक्सिन ओवेरी भी सिक्रीट करती है लेटस्ट रिमेंबर की एच सी जी एच पी एल और रिलैक्सिन ये सिर्फ और सिर्फ ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोड्यूस होते हैं और ये नीट में इस तरीके का सवाल या के वी पी वाई में बना लिया जाता है कि कौन से हारमोन हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होते हैं इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देर अदर लेवल ऑफ हारमोन्स लाइक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोलैक्टिन इनका लेवल भी बढ़ जाता है मेटरनल ब्लड में क्योंकि माँ को बच्चे को भी सपोर्ट करना रहता है इनक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हारमोन्स इज असेंशियल फॉर फीटल ग्रोथ जैसा मैंने कहा ताकि प्रेग्नेंसी मेंटेन रहे और माँ की बॉडी भी मैंटेन रहे अब अगर इस डायग्राम को देखते हैं तो ये प्लेसेंटा की विलय हैं क्रोनिक विलय जैसे आप बोल रहे थे यूट्रस की कैविटी है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ था यॉक्सैक है जो वन ऑफ द फीटल मेमब्रेन होती है ह्यूमन्स में थोड़ा सा कम ही होता है तो कई बार आपने पढ़ा होगा कि इसको हम ए लेथल कह देते हैं ह्यूमन एग को क्योंकि उसे प्लेसेंटा से मिल रहा है न्यूट्रिशन जहाँ पर नहीं मिलता वहाँ पे योग सेक की ज़्यादा ज़रूरत होती है जैसे रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स में ये एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो से प्लेसेंटल विलाई को कनेक्ट कर रहे हो जिस स्ट्रक्चर से वो क्या है एम्ब्लाइकल कॉर्ड है विद इट्स ब्लड वेसल्स राइट और सर्वाइकल म्यूकस का प्लग बन जाता है कि अब फर्दर फर्टिलाइजेशन आसानी से ना हो पाए ये प्लग जब प्रेगनेंसी डिलीवर होगी बेबी डिलीवर होगा पाचुलेशन होगा तब ब्रेक होगा राइट इमिजिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन जैसे इम्प्लांटेशन हुआ तो उसी से एम्ब्रियो बनाए कैसे बनाए देखो द इनर सेल मास डिफरेंशिएट एम्ब्रियो डिफरेंशिएट इंटू आउटर लेयर तो जो इनर सेल मास जिससे हमने कहा था एम्ब्रियो बनता है कैसे बनता है कि इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो जाता है इंटू एक्टोडर्म एंड इनर लेयर जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्म और दोनों के बीच में कुछ टाइम बाद एक और लेयर आ जाती है जिसे कहते हैं मीजोडर्म इन तीनों लेयर्स को मिलाकर बॉडी के सभी ऑर्गन्स बनते हैं इट नीड टू बी मैंशनड हेयर दैट इनर सेल मास जो होता है इट कंटेन्स स्टेम सेल्स जिसके पास हर तरीके के सेल बनाने का टू गिव राइज टू ऑल टिश्यून ऑर्गन्स कैपेसिटी रहती है उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कि कितने महीने पर क्या क्या चीज़ें बनती है जैसे आपने कहा सबसे पहले तो एक्टोमीजो एंडोडम बन जाएगा तो कहा जाता है कि ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट नाइन मंथ्स नौ महीने तक ही रहती है राइट उसके बाद कहा गया डू यू नो हाउ मेनी प्रेगनेंट डेज इट लास्ट इन डॉग एलिफेंट एंड कैट तो या फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं आपको पता चले तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं जैसे जनरली कहते हैं एलिफेंट्स का गेस्टेशन पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर वन मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट ह्यूमन बींग में एक मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो का हार्ट बनता है फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटर्स लिसनिंग टू द हर्ट साउंड जो कि फर्स्ट मंथ में ही सुनेगा बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस के लिम्स और डेजर्ट्स डेवलप करते हैं बाई ट्वेल्थ वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर या थर्ड मंथ एक महीने में चार हफ्ते होते हैं क्योंकि तो मोस्ट ऑफ़ द ऑर्जर मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड लाइक लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया ये भी कई बार नीट में सवाल रहा है कि, कि किस टाइम क्या बनता है सबसे पहले क्या बनता है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपेयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड वो पाँचवें महीने में होता है ट्वेंटी फोर वीक तक बॉडी फुली कवर हो जाती है बाय एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि सिक्स मंथ्स आई लिट सेपरेट एलेश फॉर्म और नाइन मंथ में बेबी डिलीवरी के लिए पूरी तरह रेडी हो जाता है तो ये हमने इस सेक्शन में सीखा कि प्लेसेंटा जो है वो कैसे ट्रोफोब्लास्ट और नेटरल टिश्यू से मिलकर बना अम्ब्लाइकल कॉर्ड का क्या रोल है कौन से हारमोन्स हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ते हैं या स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में बढ़ते हैं और किस महीने में क्या ऑर्गन प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप करता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग एस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा